बड़े खतरनाक आदमी है। ये माइकल नहीं कोई और ही। मेरे लिए अब खुद को जानना बहुत जरूरी हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों अजय देवगन की मोस्ट स्टडीड फिल्म नाम जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज दो दिन हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे बता दूं कि बॉलीवुड की मोस्ट स्टडीड फिल्म नाम जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है अनीस बजमी ने। वही दोस्तों इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं अजय देवगन, भूमिका चावला, समीरा रेड्डी, राजपाल यादव। वहीं दोस्तों इस फिल्म को 10 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया और इस फिल्म को इंडिया में लगभग 500 स्क्रीन पर 22 नवंबर को रिलीज किया गया जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर दो दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह फिल्म अपने पहले दिन 20 लाख रूपए कलेक्शन कर चुकी है। वही दोस्तों यह फिल्म अपने दूसरे दिन यानी आज लगभग 25 लाख रूपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती दो दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 45 लाख रूपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 55 लाख रूपए का, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 62 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये थे अजय देवगन की मोस्ट स्टडीड फिल्म नाम के शुरुआती दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप भी अजय देवगन के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।